so today our next topic is bricks uh, we will discuss about bricks what is bricks how it is formed which type of material are used in bricks basically first of all we will discuss about the objective and outcome of this topic so this is the objective of bricks to provide the knowledge about the bricks to provide the knowledge about the ingredients that are used uh, in construction of bricks and the outcome uh, should be student will learn about the different types of bricks their classification and their usage their durability and their strength so let's start uh, bricks bricks will get, uh, basically bricks are formed with uh, clay digging of clay and then drying in oven uh, this process is known as uh, the manufacturing process of bricks so bricks will be characterized with different used first of all uh, load bearing wall non load bearing wall insulation wall covering wall so the selection of bricks based on their using uh, brick shape standard base, uh, standard size in brick shape four size geometric length 2 into from width and the thickness is two upon third of width and the standard size of the brick is 215 into 10 into 102.5 into 65 in mm it can be made from clay sand and Lime cement mortar. So basically, uh, the bricks are made from clay, sand, and lime, and also some bricks are made by cement uh, concrete, like such as concrete blocks. Uh, this is also known as the uh, total process, total manufacturing process of the bricks. तो व्हाट आर द बेसिक्स एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक्स लाइक के ब्रिक्स के फ़ायदे क्या हैं हम अगर ब्रिक्स अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो उसका क्या क्या हमें फ़ायदा होगा उसका क्या क्या उसकी वजह से हमें ब्रिक्स uh, यूज करने से ये हमारे जो स्ट्रक्चर है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ ब्रिक्स दो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिक्स विल नॉट बर्न बर्कल और मेल्ट Uh, ble uh, brick will not rot and allow termites to invade. Brick will not rust and corrode. Mm, and the brick will not dent. Brick will not fade from the sun, ultraviolet rays. Uh, bricks will not damage by the high wind, rain, or hail. Brick will not require constant maintenance. Mm, brick will not limit your personal expression. And brick will not limit your design option. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में तो वो मेल्ट नहीं होती है बर्न नहीं होती है बकल नहीं होती है मीन्स नहीं वो जलती है या नहीं वो कहीं उसका ब्रिक्स brick, में ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं कि जिसे वो मेल्ट नहीं हो पाती और फिर उसके बाद कहता है कि इसको रस्ट नहीं लगता है क्रोजन नहीं लगता है इसमें डेंट नहीं पड़ते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारे कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट करता है हाई वेंड्स रेन और हेमस्ट्राम के जैसे कुछ डैमेज नहीं होता है और ना ही इसके लिए कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस uh, हमें चाहिए और ना ही इसमें कोई हमारी ब्रिक्स uh, यूज करने से हमें हमारे डिज़ाइन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा सो इन शॉर्ट वही कैन से दैट ब्रिक्स आर कॉमनली यूज इन अवर कंस्ट्रक्शन लाइन फॉर बेटर डिज़ाइन फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्ले ब्रिक्स के ब्रिक्स बनते कैसे हैं कौन कौन से इसमें इन्ग्रीडियट्स होते हैं किन किन कम्पोजिशन से ये बनता है इसका मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस क्या है अब हूँ बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो ब्रिक्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिलीका होता है सिक्सटी परसेंट एल्यूमिन होता है ट्वेंटी परसेंट और जो बाकी के इंग्रीडियंट्स होते हैं वो ट्वेंटी परसेंट होते हैं जो रिमेनिंग इन्ग्रीडियट्स हो सकते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकते हैं आयरन ऑक्साइड होते हैं जो कि ब्रिक्स को कलर दे रेड कलर देने का काम करता है मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सारे कंपोजिशन जो होते हैं वो किस में काम आते हैं मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनका क्या काम रहता है ब्रिक्स में तो सिलिका जो होता है सिलिका सबसे पहले जो कि सैंड में पाया जाता है उसको हम अगर क्ले में ऐड करते हैं तो वो एक सूटेबल पोर्शन बनाता है ब्रिक को हार्ड करता है और उसको प्रिवेंट करता है रैपिंग से एंड श्रिंकिंग से और उसको ड्राइंग करने में हमें वो यूजफुल हमारे लिए होता है तो इफ़ एडिड टू क्ले इन सूटेबल प्रोपोर्शन मेक्स अ ब्रिक हार्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रैपिंग एंड श्रिंकिंग ऑन ड्राइंग तो सेकंड पॉइंट हमारा जो एल्यूमिनिया है एल्यूमिनिया इज़ द मेन कॉन्स्टिटुन ऑफ एवरी क्ले ऑन द एडिशन ऑफ वाटर क्ले बिकम प्लास्टिक एंड कैन बी मोल्डेड इन टू शेप जो का काम होता है वो ये करता है कि जब हम इसमें पानी की मात्रा को ऐड करते हैं तो उससे जो हम क्ले जो होती है क्ले में एलुमिना और पानी का जब मिक्सर होता है तो उससे जो हम अपनी ब्रिक्स को शेप देते हैं मोल्ड करते हैं वो उसमें हमारी हेल्प करता है थर्ड वन इज़ लाइम लाइम इट हेल्प टू लोअर द फ्यूजन टम्परेचर इट हेल्प सिलीका टू फ्यूज एट लोवर टेम्परेचर एंड दस हेल्प टू बाइंड द पार्टिकल टूगेदर इट आल्सो प्रिवेंट श्रिकेज ऑफ रा ब्रिक्स जो लाइम है लाइम जो है वो क्या करता है कि टम्परेचर को फ्यूज़ करता है और उसमें क्या करता है कि जो हमें हेल्प देता है वो पार्टिकल को बाइंड करने में मतलब जितने भी इसमें कंपोजिशन होते हैं कंपोनेंट्स एड होते हैं उनको आपस में उनकी बाइंडिंग करता है और या ये भी हमारे लिए एक हेल्पफुल है जो कि हमें प्रिवेंट करता है श्रिंकेज होने से श्रिंकेज में लाइक ए ब्रिक का सुकट जाना या जो कंपोनेंट्स का अलग अलग होना उसको हम श्रिंकेज देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिका अलूमिनियम और लाइम जो है ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं ब्रिक की फॉर्मेशन में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स कि एक अच्छी ब्रिक्स की कौन सी करैक्ट्रिस्टिक्स होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट है अपेरेंस एंड कलर हार्डनेस एंड शॉर्नेस ड्यूरेबिलिटी फायर रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ तो सबसे पहले अपेरेंस एंड कलर के बारे में पढ़ते हैं ए गुड ब्रिक शुड हैव ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप विद इवन सरफेस एंड शॉप कॉर्नर इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स इट शुड हैव ए यूनिफॉर्म ब्रिक रेड कलर और अपेरेंस और कलर जो है वो ब्रिक्स की करेक्ट्रिस्टिक्स में ये डिफाइन करता है कि जो एक अच्छी ब्रिक है वो एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए उसकी जो सरफेस होने जो उसकी सरफेस हैं वो एकदम शॉर्प कॉर्नर होने चाहिए और वो एकदम फ्री होनी चाहिए किससे जो कि उसके अंदर जो क्रैक्स पड़ते हैं उनसे फ्री होनी चाहिए और उसका जो एक रेड कलर रहता है वो एक यूनिफॉर्म ब्रिक रेड कलर होना चाहिए ये एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है तभी हमारी एक ब्रिक जो है वो एक अच्छी करेक्टरस्टिक्स होगी वो किसके वजह से अपेरेंस और उसकी कलर की वजह से सेकेंड वन इज हार्डनेस एंड सॉर्डनेस गुड ब्रिक शुड बी हार्ड एंड शुड नॉट बी स्क्रेच्ड बाई फिंगर नेल ऑफ आल्सो शुड गिव अ मेटालिक सॉन्ड वैन टू ब्रिक्स आर स्टक टू ईच अदर हार्डनेस एंड सॉर्डनेस जब होगी हार्डनेस में उसकी जो हार्ड हार्डन प्रॉपर्टी को शो करेगा सॉर्डनेस जब हम दो ब्रिक्स को आपस में जॉइंट करेंगे या उनको आपस में उनको आदन, एक दूसरे पर हिट करेंगे जो एक उसमें से आवाज़ आनी चाहिए वो एक मेटेलिक साउंड की तरह आनी चाहिए जिसमें ताकि उसे हम ये पता लगा सकें कि हमारी जो ब्रिक्स है जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है उसकी जो वो एक हार्डन स्टेट में है और जो वो एक आवाज़ हमें देती है वो आवाज़ भी एक मेटेलिक साउंड की तरह है जो कि दोनों में आपसी टकराव की वजह से आती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हार्डनेस एंड साउंडनेस फिर आपका आता है ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी मीन्स के उसकी लाइफ कितनी है वो कितना लंबा चल सकती है एक गुड ब्रिक शुड बी एबल टू विद स्टैंड वेदरिंग एक्शन ऑफ सन रेन विंड एट्सट्रा एक जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी वो क्या होनी चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन होनी चाहिए उससे अगर हम उस पर सन पड़ रही हो सन पड़ रही हो या रेन हो या विंड हो या बाकी केमिकल एटमोस्फ्रिक जो इन्वायरमेंट uh, कंडीशन है उन पे उनकी वैसे कुछ उस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तो उससे क्या होगी कि उस ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी में क्या होगा इंक्रीज होगी और वो लाइफ टाइम तक चलेगी तो फोर्थ वन इज़ फायर रेजिस्टेंस जो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है वो एक जो टम्परेचर को रजिस्ट करती है वो फिफ्टीन हंड्रेड से ले कर या नियर अबाउट ए आठ सौ सोलह से लेकर पंद्रह सौ के बीच में वो एक रजिस्ट करता है उस फायर के टम्परेचर को एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ जो है वो मेन फैक्टर प्ले करता है ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन में यूज होने से अ गुड ब्रिक इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉट टू ब्रेक वैन ड्रॉप ऑन अदर ब्रिक फ्राम अ हाइट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव मीटर्स कि अग हम ब्रिक्स की स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं कि उसको वन पॉइंट टू फाइव मीटर की हाइट से एक ब्रिक के दूसरे ऊपर उसको थ्रो करते हैं या ड्रॉप करते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो उससे क्या होता है जो ब्रेक नहीं होगी वो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करती है दिस इज द एग्जांपल ऑफ़ क्रे दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिक्स विच इज़ फॉर्म बाई क्ले एंड इट इज़ आल्सो यूज इन अवर कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो कलर देता है वो एल्यूमिनियम यूज़ होता है लाइम इसमें बाइंडिंग करता है और बहुत सारे फैक्टर इसमें ऐसे भी होते हैं कि जिससे क्या होता है कि हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं या इसमें ड्यूरेबिलिटी हो या फायर रेजिस्टेंट हो है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिक्स विच इज़ यूज्ड इन अवर कंस्ट्रक्शन लाइन इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन अ लॉन्गिट्यूडनल फेब्रिस मास सच एज बनाना बैम्बू पालम एंड कैन इवन दो द स्टेम ऑफ ट्री ऑफ दिस क्लास इज लाइट एंड एंथो येट इट इज़ टू फ्लैक्बल दैट इट इज नॉट सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क विद एक्सेप्शन टू बैम्बू तो एंडोजेनियस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवर्ट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं जो कि लांगी टूडल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं जैसे कि बनाना का ट्री है बैम्बू का है पाल का है या कोई दूसरा ट्री है हालाँकि इन ट्री के जो स्टेम होते हैं वह बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लैक्सीबल होते हैं बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं देन एक्जोजीनियस ट्रीज़ द ट्रीज़ दैट ग्रोथ आउटवर्ड डायरेक्शन बाई एडिशन ऑफ वन कॉन्सेंट्रिंक रिंग एवरी ईयर दीज रिंग्स आर नॉन एज एनअल रिंग सिं वन रिंग इज एडिड टू द ट्री एवरी ईयर सो द नंबर ऑफ एनिमल रिंग इन द स्टेम ऑफ ट्री इंडिकेट्स इट्स एज इन ईयर द टिम्बर ओब्टें फ्राम दिस क्लास ऑफ ट्रीज इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन इंजीनियरिंग वर्क तो एक्जो जो एक्जोजनस ट्रीज वो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं और इनको हम क्या करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग यूज सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं और मेन बात इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है इंडिकेट करती है उस ट्री की एज साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है प्रोड्यूस होती है जो कि उस ट्रीज की वो एज डिफाइन करता है हर साल के बाद तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ अब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज है लेकिन ये सिर्फ़ एक्जोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में ये क्लासिफिकेशंस ऑफ़ ट्रीज़ में कुछ एग्जाम्पल बताई गई हैं एक्जोजीनियस और इंडोजीनियस की बैम्बू हो गया बनेना हो गया और दिदार हो गया ये जो दीवदार है बैम्बू और बनेना जो है वो इंडोजीनियस में आते हैं उनमें से हम बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं और देवदार कटरी है जो वो एक्जोजीनियस में आता है जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्जोजीनियस दैन नेक्स्ट क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रीज़ में अब एक्जोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं टिम्बर अवेलेबल फ्राम एक्जोजीनियस ट्रीज इज़ फर्दर क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज जो एक्जोजीनियस की जो क्लासीफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉर्नीफोर और एवरग्रीन और दूसरा डेसीड्यूज कॉर्नीफोर जो सदा रहते हैं और डेजिट्यूज जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाहें टूट जाती हैं सो कॉर्नीफोर और एवरग्रीन दीज ट्रीज सॉफ्ट वुड दीज दीज आर ट्रीज विथ पॉइंटेड लीव दियोदार पाइन चेयर एंड काई बिलोंग टू दिस क्लास ये ऐसे कॉर्नीफर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं जैसे कि दीवदार हो गया पाइन हो गया और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कॉर्नीफेयर से या फिर एवरग्रीन से और डेजिड्यूज दीज ट्रीज और हैविंग ब्रॉड लीव य हार्डवुड टीक साल शीशम बिलोंग टू दिस क्लास जो डेजिड्यूज है ये बहुत ही हार्ड वुड होती है और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं और एकदम ये टाल होता है और ये जैसे कि हार्ड वुड हो गया जिसमें हार्ड वुड आता है टीक का साल का या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं डेजिड्यूज कैटेगरी में इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड लाइक पोरस एंड फाइबर हार्ड स्ट्रक्चर प्लांट सिस्टम स्टेम विच इज़ द सेकेंडरी सिस्टम ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेलिकुलस एंड it can be defined as wood it is supportive organs then growth of a timber tree a timber ki growth kaise hoti hai? in spring season roots of the tree suck a solution of salt from the soil this solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and absorb carbon dioxide from the air this action इन द प्रेजेंस ऑफ सन मेक द सोल्यूशन एबिट विश्कोशिश दिस ट्रांसफॉर्म विश्वस सोलूशन इज़ नॉन एज सेप अब किसी भी तिबर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सोल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं ये सक करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं साइल से और फिर वही सॉल्ट धीरे धीरे अपना जो है वो सॉल्यूशंस uh, को लूज़ करता है ड्यू टू एब्रेशन की वजह से और एब्जर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से तो ये जो एक्शन uh, होता है ये प्रेजेंस होता है किसकी में सन के में जो कि uh, सूरज की प्रेजेंस में होता है सॉल्यूशन मेक बनाता है और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में जिसको हम सैप बोलते हैं ऑन दी अदर हैंड in autumn viscous sap descends below the bark and leaves a thick layer layer of the sap left below the bark get transformed to wood is known as cambium layer it goes on gaining the strength with the passage of time uh, a fresh layer uh, thus added on the outside of the tree every year Forming a new annual ring. The new ring represent a year's growth of tree. In simple word, we can say that in autumn season, trees uh, suck the salt and convert into sap, and then appear a layer. That layer is known as cambial layer. And after one year, there is a ring annual ring produce, and that annual ring represent uh, uh, represent a year growth of that tree it's mean one angular ring is equal to one year number of ring define the uh, age of the tree this is the main structure of a tree this is these are the some components that like uh, shown in the figure there is an inner bark outer bark वेस्कुलर कैम्बियम सेप वुड हार्ट पिथ रे अर्ली वुड लेट वुड ग्रोथिंग ये एक सर्कल है पूरा एक रिंग है जो कि हमें ये डिफ़ाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ट्री की कितनी एज है अब जैसे इस फिगर में हम देखें तो अगर इसमें सात रिंग होंगे तो ये सात साल का होगा अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडूला था इट इज़ द फॉर्म इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री इट कंसिस्ट ऑफ इंटायरली सेलुलर टिश्यू ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से सेलुलर टिश्यू की वजह से देन द पिथ विच वेन द प्लांट इज यंग कॉन्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूट एंड न्यूरिश द प्लांट इट डाइज अप एंड डी के वेन द प्लान बिकम ओल्ड सैप इज़ दैन ट्रांसमिटेड बाई द वुड फाइबर दैट डिपॉजिट अबाउट द पिथ जब हमारा कोई भी ट्री यंग होता है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन होती है आफ्टर डी के बाद वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपॉजिट हो जाती है उसके पिथ में

The wood is darker in color, stronger, more compact and durable. हार्ट mean us उस ट्री का jo जो paya पाया जाता है ke के आसपास और उस लड़, वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा strong और ड्यूरेबल होती है देन सेप वुड आउटर एनिमल रिंग ऑफ द ट्री कॉन्स्टिट्यूट द सेप वुड which transmit the sap from roots to branches compared with the heart wood sap wood is lighter in color weaker and more liable to day, decay then bark it is the most uh, it is more it is outermost protective covering of the cell and woody fiber on a tree in course of timber or layer split and scale off bark you have outermost Uh, होता है जो आउटर स्किन होती है ट्री uh, की जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को चाहे uh, वो किसी भी सीजन में हो जो बाहर की स्किन होती है किसी भी तिम्बर को हम उसको बार्क बोलते हैं देन कैम्बियम लेयर मेडुलरी रेज कैम्बियल लेयर आउटर मोस्ट वन रिंग बिटवीन द बार्क एंड सेप कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है विच इज़ नॉट कन्वर्टेड इन टू वुड इज नोन एज कैम्बियर लेयर जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं आ, किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं इफ़ द कैम्बियर लेयर इज़ एक्सपोज बाई रिमूविंग बार्क द सेल्स सीज टू बी एक्टिव एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ट्री अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज़ के जो सेल्स और टिशन टिशू हैं वो इस रिज़ल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद बहुत अपने आप गिर गया है देन मेडुलरी रेज दीज आर थिन होरिजेंटल वेन्स रेडिएटिंग फ्राम द पिथ टू वाट द बार्क दे कैरी सेप फ्राम आउटसाइड टू द इनर पार्ट ऑफ ट्री And nourish it. They keep the annual ring tightly gripped together. So medullary rings are those rings who are present in vein radiating from the pit. Their work is to carry sap from outside to the inner part. Basically, medullary medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees. This is the main example of medullary. रेज सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द मेडुलरी रेज विच आर प्रजेंट इन एनी ट्री दैन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज करेक्टरस्टिक्स ऑफ गुड तिम्बर कि वाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ तिम्बर एक अच्छी लकड़ी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे बता सकते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी की तिम्बर है फर्स्ट पॉइंट It should be free from the heart of a sound tree and should be free from sap. Then it should have straight and close fiber. Then it should be of uniform color. It should give a clearly ring sound when struck. Dull, heavy sound is a sign of internal decay. It should have regular annual ring. तिब्बर विद नैरो रिंग आर जर्नली द स्ट्रॉन्गेस्ट सो फर्स्ट पॉइंट शुड बी फ्री फ्राम साउंड ऑफ ए ट्री एंड देन जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डी के है और उसके इट शुड हैव रेगुलर हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर को डिफाइन करता है देन फ्रेशली कट सरफेस शुड गिव स्वीट स्मेल टीथ ऑफ द सा शुड नॉट गेट क्लॉग वाइल साइंग आउट ऑफ सम वराइटी ऑफ टिम्बर डार्कर एंड हैवियर पीसीज आर स्ट्रोंगर इट शुड हैव ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस वन प्लैंट डल अपेरेंस इज़ अ साइन ऑफ डिफेक्टिव तिम्बर इट शुड हैव फर्म एडिशन ऑफ फाइबर एंड कंपैक्ट मेडुलरी रेस जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी तिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे उसे डिफ़ाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का तिम्बर है दिन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको कटेंगे उसके अंदर क्लौड नहीं होना चाहिए फंसना नहीं चाहिए और जो उसके अंदर टिम्बर के अंदर वाली जो आ, पीसीज हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो अपेरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए अगर डल अपेरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज़ डिफेक्टिव तिम्बर नेक्स्ट डिफेक्ट्स इन तिम्बर

या फिर कुछ घास फूस की वजह से उस पे जो भी डिफेक्ट होगा तो वो हमारा दूसरा डिफेक्ट होगा तो ड्यूरिंग द ग्रोथ डिफेक्ट डिवेल्प ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ़ ए ट्रीज आर स्टार शेक्स दीज आर रेडियल स्प्लिट्स वाइडर ऑन द सरफेस ऑफ द ट्री एंड बिकम नेरोर एज दे मूव टू वार्ड सेंटर दीज आर कास्ड बाई सर्व फ्रस्ट आर बाई सर्व हीट ऑफ द सन जो स्टार शेक होते हैं बेसिकली ये जब हमारा ट्री ग्रोथ कर रहा होता है तो ये उस दौरान पाए जाते हैं और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से तो फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट दिस इज़ द एग्ज़ैम्पल ऑफ स्टार शेक्स These are the radial splits as I earlier told you, wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center. They are caused by surf frost or by heat of the sun. This is the example of star shakes. Then next is heart shake. These are white splits running uh, right through the heartwood of the tree. These splits from the pith running toward the sap wood. दीज आर काज बाई द श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट्स बाई डी के बिकॉज ऑफ़ एकोमोलेटिड मिक्स तो हार्ट शेक जो डिफेक्ट है वो इस वजह से होता है कि कुछ जो ट्रीज़ के अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो डी के होंगे वो किसी कारण किसी सेब वुड के कारण या किसी पीथ में किसी के कारण इंसेक्ट लगने से या कोई दूसरा जो इंटीरियर काज हो गया तो उसके कारण उनका श्रिंकेज होना तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं देन द थर्ड टाइप थर्ड नंबर इज रेंड गॉल्स दीज आर पेसिकुलर स्वेलिंग कॉज जनरली बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ सैब वुड ओवर वर्ल्ड रिमेनिंग आफ्टर ए ब्रांच ऑफ ट्री हैज़ बीन इन परफेक्टली कट ऑफ दिस इज शॉन इन दिस फिगर इन दिस फिगर द शॉन रेंड गर्ल ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है तो इसको हम रिंडगाल होते हैं ये भी एक डिफेक्टिव टिंबर में आता है देन डिफेक्टिव डिफेक्ट्स डिवेल्प आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रोट ड्राई रॉट क्या होता है इट इज़ अटैक ऑन तिम्बर बाई फंगस

कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना ठीक है तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं देन नेक्स्ट इज़ वेट रॉट इट इज़ डी ऑफ थिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टू प्रिवेंट वेट थिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग

रिलेटेड टू द टू डेज टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन इज द तिम्बर विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री एंड अ गीव डिज़ायर्ड शेप अपेरेंस इज नोन एज अगर कोई भी तिम्बर है हम उसको प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में देन उसको हम एक अच्छी शेप देते हैं एक अच्छा अपेरेंस देते हैं तो वो क्या कहलाएगा इंडस्ट्रियल तिम्बर कहलाएगा सॉफ्ट तिम्बर कहलाएगा या हार्ड तिम्बर या फिर नन तो इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अगर कोई भी हम तिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल तिम्बर होगा देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज़ कॉल्ड माइक्रोस्ट्रक्चर मैक्रोस्ट्रक्चर बोथ एंड बी एंड नॉन अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आंखों से देखते हैं अपनी नेक आँखों से उसको विजिबल करते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा माइक्रो होगा या मैक्रो होगा तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर स्किन आर लेयर कोवरिंग कैम्बियम लेयर इज़ कॉल्ड जो हमारी अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है किसको इसको कैम्बियर लेयर को वो उस क्या कहलाएगा इनर बार्क आउटर बार्क मेडुलरी रेज या ऑल ऑफ द अबो तो हमने इसके बारे में पढ़ा था तो ये इनर बार्क होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटर स्किन आर कवर ऑफ द ट्री इज़ नॉन एज बार्क जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज़ की uh, ट्रीज को स्किन को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं uh, क्या ये, uh, उसको हम बार्क बोलते हैं इज इट ट्रू और फॉल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्री होगा जो वाटर स्किन है जो कि ट्री की आ, आ, वुड को वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है उसको हम bark ही बोलते हैं पहले आ, जो फर्स्ट रो में है वो हेड जॉइंट है कि दो Uh, अगर कहीं से हम कहीं वाल बना रहे हैं तो उनमें इस टाइप का अगर हम जॉइंट आता है इस टाइप का हम जॉइंट डालते हैं तो उसको हेड जॉइंट बोला जाता है फिर उसके बाद उसी फिगर में हम देख पा रहे हैं कि बेड जॉइंट को किस तरह से ड्रा किया हुआ है।, है ये सब जो हैं ये जॉइंट्स जो हैं और ये जो हेड जॉइंट है या बेड जॉइंट है ये हम जब भी कोई भी वाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट फिर उसके बाद स्ट्रेचर बांड को हम थोड़ा डीपली अगर देखें तो स्ट्रेचर बांड का क्या है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने के कारण क्या है इससे हमें क्या बेनिफिट होगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो स्ट्रेचर बांड है स्ट्रेचर बॉन्ड इंटायरली कम्परेज ऑफ स्ट्रेचर ब्रिक सेट इन दैट आर ऑफसेट बाय हाफ अ ब्रिक most common bond in modern time can consist of one layer two layer or two layer with a gap in between the main advantages of this technique is that it allows wall with both faces visible uh, and can be used for domestic low height wall where the part of the structure above is built of a lighter frame material such as glass to be built using low cost brick that have uh, टू फेयर फेसिस तो स्ट्रेचर बाउंड को हम क्या करते हैं कि बेसिकली ब्रिक्स uh, में यूज़ किया जाता है किसी भी रो के अंदर इसको हम ऑफ साइड लेके उसका हाफ ब्रिक का यूज़ करना उसको हम पहले स्ट्रेचर बाउंड करते हैं ये बहुत बहुत ही कामन बाउंड है मॉडर्न टाइम में uh, किसी भी लेयर uh, में हम इसको यूज करते हैं दो लेयर के जो गैप है उसको भरने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और इस जो है इसका मेन जो फ़ायदा है इस टेक्निक का उससे क्या होता है कि हमें जो हमारी वाल है उसमें जॉइंट हमें सामने नज़र आता है उसमें कहीं कुछ होल्स या क्रैक्स नहीं पड़ते हैं ठीक है उससे क्या होता है कि हमारी वाल जो है एक फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह दिखती है जैसे कि एक प्रॉपर ग्लास की तरह जैसे दिखता है और उसमें क्या है कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है ये हम अपनी ब्रिक्स वाल के जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हों तो उस टाइम इसको हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा रहता है जो मेन यूज़ करने का कारण रहता है कि एक तो हमारी वाल सीधी रहती है जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं तो उससे होल को प्रिवेंट होते हैं क्रैक्स नहीं पड़ते हैं और इसकी जो हमारी वाल है उसकी अपेरेंस बहुत ही अच्छी होती है एकदम सीधी और पैरलर रहती है इसीलिए हम स्ट्रेचर बॉन्ड को अपने ब्रिक्स में यूज़ करते हैं next a uh, header bond uh, header bond is also known as uh, spanish bond was very common bond for the bearing wall it is composed of header brick set in row that are the offset uh, half a brick which produce a solid easy to lay bond which is the useful when building circular work it is the most used bond in the historical special, uh, spanish brick construction uh, in picture you have shown show us the हैडर uh, बॉन्ड तो बॉन्ड क्या होता है कि हैडर बॉन्ड को हम स्पेनिश बॉन्ड इस बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पुराने टाइम से जब भी हिस्टोरिकल स्पेनिश रिकन्स्ट्रक्शन काम चल रहा था तो उस टाइम ये यूज़ होता था तो इसका नाम वहाँ से इस पड़ा स्पेनिश बॉन्ड अब ये क्या है कि इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी अपनी वाल है वाल एक तो सीधी पैरेलल रहे और इसको एकदम सॉलिड रहे और ये जब हम यूज़ करते हैं हेडर बॉन्ड का तो ये बहुत ही फ़ायदा रहता है किसी भी सर्कुलर वर्क के लिए जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इस टाइप का जो भी हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं कहीं भी वाल में तो उस वाल को जो भी जैसे स्ट्रेचर हो गया या फिर हैडर हो गया तो ये साइड जो शो करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हेडर बॉन्ड बोलते हैं जो कि ये बहुत ही पुराना है स्पेनिश ब्रिक कंस्ट्रक्शन के टाइम से ये यूज़ होता हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्शन uh, लाइन में तो जैसे कि फिगर में सामने शो हो रहा है पिक्चर शो हैडर बॉन्ड तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि ब्रिक्स बनती कैसे है कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं या हम इसकी प्रिपेशन कैसे करते हैं तो उसके बारे में कुछ हम थोड़ा डेप्थ में पड़ जाके पढ़ लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जब हम uh, कोई भी सैंपल लेके ब्रिक्स को स्टेज वन से लेकर स्टेज फोर तक उसका चाहे वो ओवन में ड्राइंग करना हो या डेगिंग करना हो या मोल्डिंग करना हो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस तो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में चार स्टेजेस होती हैं सबसे पहले मटेरियल की प्रिपरेशन होती है, है फिर मोल्डिंग होता है फिर ड्राइंग होता है और फिर फायरिंग होता है तो मटेरियल प्रिपेशन में सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहीं से भी मटेरियल जो भी है क्ले है उसको इकट्ठा करते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं ग्रीडिंग करते हैं उसको साफ़ करते हैं अच्छे से ठीक है उसमें से घास वगैरह को साइड करते हैं तो एकदम फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं उसको क्ले प्रिपरेशन में क्या किया जाता है कि क्ले इज़ प्रिपेयर बाई क्रशिंग एंड आर ग्रेडिंग एंड मिक्सिंग विद स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सेंड एश एंड लाइम अनटिल इट इज़ ऑफ ए यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी वाटर में प्रॉब्लमेंस क्रिस्टलाइजेशन डेमेज और केमिकल अटैक ऑफ द मोटार तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्ले को हम कैसे तैयार करते हैं कहीं से भी हम इसकी क्रशिंग करते हैं या ग्रीडिंग uh, करते हैं या मतलब क्रश करना कहीं से खोदना या डिगिंग करना फिर उसको हम स्माल क्वान्टिटीज कि सेंड से हम उसमें मिक्स करते हैं साफ़ करने के बाद फिर एश और लाइम को यूज़ करते हैं एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के लिए फिर फर्दर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पानी में उस पानी को उसको उसमें ऐड करते हैं ताकि उसकी जो है वो प्लास्टिसिटी लूज़ हो जाए उस पूरे प्रोसेस को हम टेम्परिंग कहते हैं फिर उसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं सचैज़ बैरियम uh, कार्बोनेट uh, को हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे कि जो हमारी एफ्लोरसेंस हो गया मतलब जो भी उसमें कुछ घास वगैरह से जो बच गया हो या फिर कुछ डैमेज होने का या केमिकल अटैक uh, से उसे क्या करता है वो हमें प्रिवेंट करता है कैल्शियम सॉरी बैरियम कार्बोनेट को हम reduce, इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करे

ऑल्सो टू एलिमिनेट द इम्प्यूटीज़ विच गोट गोट ऑक्सीडाइज्ड तो वैदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम अपनी क्ले को uh, साफ़ करने के बाद उसको सूखने के लिए रखते हैं uh, उसमें से क्या हो जो भी कुछ uh, 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 फंगाई वगैरह हो या फिर कुछ बाकी केमिकल चीज़ें हों जैसे कि उसमें कुछ घास वगैरह हो गया या कुछ थोड़ा बहुत उसमें पत्थर वत्थर हैं छोटे छोटे पेबल्स जो होते हैं उनको साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी साइल को कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ से वेदरिंग इसकी अच्छी हो उसका अच्छा से एक्सपोजिशन हो फिर उसके बाद हम उसको एटलीस्ट एक महीने के लिए ऐसा ही प्रोसेस करते हैं फिर उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं कि उसको अपनी एटमॉस्फेरिक एजेंसी से हम प्रिवेंट करते हैं ताकि उसके मास पे ये कोई फ़र्क न पड़े कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह कोई उसके साथ अटैच ना हो जिससे क्या हो कि उसकी शेप में कोई फ़र्क आए या उसकी कोई भी आ, आ, उसमें इम्प्योरिटीज़ पड़ने के बाद वो किसी के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए तो इस पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस थर्ड स्टेज में हम टेम्परिंग करते हैं टेम्परिंग बेसिकली वो होता है कि जब हम आ, अपने इसमें आ, क्ले में पानी का ऐड करते हैं उसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो फिर उसको हम मोल्डिंग के ले जाते हैं कोई एक मोल्ड होता है पिग के साइज़ का तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको सॉयल uh, की कंपोजिशन करते हैं उसमें फिर जो भी है अकॉर्डिंग टू द जो हमारा बी एस है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं और कितने डिग्री पे उसको वेटनेस करना है या फिर कैसा उसको शेप देना है uh, उस मोल्ड के द्वारा तो इस पूरे प्रोसेस में हम टेम्परिंग करते हैं एक प्रॉपर उसको शेप देते हैं जिससे क्या हो के एक स्टैंडर्ड साइज के निकले कंपोजिशन होने के बाद उसको हम मॉडिफाई करते हैं देन टेम्परिंग होने के बाद हम उसको फिर एक ओवन में रखते हैं ड्राइंग के लिए जब जो भी अपनी वेट यूनिट ब्रिक होती है उसको हम ड्राइंग करते हैं एक स्पेसिफिक अपने पास रूम होता है जिसमें टम्परेचर भी होता है ताकि वो अच्छे से ब्रिक्स को क्या कर पाए ड्राइंग करे और ड्राइंग होने के बाद एक अच्छी वो स्ट्रेंथ दे चाहे वो सिंपल ब्रिक हो नॉर्मल nor, ब्रिक हो या फिर इंजीनियरिंग ब्रिक हो ताकि एक प्रॉपर हमें उसे स्ट्रेंथ निकले एक अच्छा बॉन्ड निकले ताकि उसमें कुछ टेक्सचर फेलियर वगैरह ना हो जब तक प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी तो हमें ब्रिक वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी Uh, और टेस्टिंग में भी उसका पूरा जो डाटा है वो पूरा फेल होगा तो ये हमें मेक श्योर sure करना पड़ता है कि जो uh, ब्रिक्स है वो अच्छे तरीके से सूखने के बाद ही हम ओवन से निकालते हैं ड्राइंग इज ऑफ मॉइस्चर आइदर इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर आर विद कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द सेकंड पॉइंट इज ड्राइंग इज डन प्रायर टू बर्निंग ऑफ ब्रेक द पर्पज इज टू रिड्यूज टेंडेंसी ऑफ ब्रेक टू डेजर्ट और क्रैक वाइल बर्निंग ड्राइंग इज स्लो अदरवाइज क्रैक मे टवेल्प ऑन इट सरफेस इज यूजली टेक अ नंबर ऑफ़ थ्री टू टेन डेज फॉर आर्टिफिशियल ड्राइंग इट इज डन बाई ड्राइंग ब्रिक्स इन चैम्बर टनल हार्ड फ्लो गैसिस में बी यूज टू हीट दिस चैम्बर अटर्नल टेम्परेचर इज यूजली वन ट्वेंटी डिग्री एंड ब्रिक ग्राइड इन वन टू थ्री डेज तो बेसिकली ड्राॅंग करने का हमारा जो मेन मोटिव यह रहता है कि जो उसमें मॉशर कॉन्टेंट होता है वो ऑपरेशन हो जाता है ह्यूमिडिटी से वो कंट्रोल हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ड्राइंग से क्या हो जाता है कि जो ब्रिक की टेडेंसी है वो एक अच्छी शेप में आ जाती है उसको रिड्यूस करता है और भरने जलने से उसको बचाता है धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम ड्राइंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जो कि तीन से दस दिन का टाइम लेती है और एक सौ बीस डिग्री के टेम्परेचर पर एक अच्छी खासी ब्रिक ड्राइंग ड्राई होके हम फिर उसको बाहर निकालते हैं तो दिस इज अवर फर्स्ट एम सी क्यूर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैंड लाइम ब्रिक्स आर मेड बाई मिक्सिंग ऑप्शन है आपका क्ले सीमेंट पेस्ट बोथ हैंड बी सैंड एंड फ्लाई एश कि अपना जो सैंड लाइम ब्रिक होता है वो किसको मिक्स करने से बनता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सैंड के साथ क्या मिक्स करेंगे सैंड लाइम ब्रिक बनेगी तो उसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा सैंड एंड फ्लाई एश नेक्स्ट है आपका कंक्रीट ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम कि कंक्रीट वाली ब्रिक्स जो हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि कंक्रीट ब्रिक्स किससे बनता है इसके ऑप्शन है आपके फ्लाइश क्ले सॉलिड कंक्रीट या ऑल ऑफ दी अबो अब कंक्रीट का ब्रिक है तो वो कंक्रीट से ही बनेगा तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉलिड कंक्रीट नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन बर्ड क्ले ब्रिक आर फॉर्म बाई प्रेसिंग इन अ मोल्ड एंड देन ब्रिक्स आर ड्राइड एंड फाइड इन अ किलन, इज़ इट ट्रू और फॉर्स के जो भी एक ब्रिक है हम उसको एक प्रेस करने से या मोल्ड में रख के या फिर उसको ड्राई करके ओवन में अच्छे से थोड़ा सा उसको हीट पे रख के किलन में uh, क्या ये पूरा जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रिक्स uh, की फॉर्मेशन में ये सही है या गलत है तो इसका राइट right आंसर होगा ट्रू बिल्कुल सही प्रोसेस है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गुड ब्रिक परसेंटेज ऑफ सिलिका लाइज बिटवीन के जो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है उसमें सिलिका की परसेंटेज कितना होता है तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है उसमें ऑप्शन है आपका टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट और फिफ्टी परसेंट द करेक्ट आंसर इज़ फिफ्टी परसेंट जो कि सिलिका की एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स में सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो फिफ्टी परसेंट होती है